आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू चल रहा था, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ाए थे, दीज आर फोर टाइप्स, टॉपिक था चल रहा था कनेक्टिव टिश्यू। आप लोगों की यही टॉपिक चल रही थी कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ाया है, कनेक्टिव टिश्यू दीज आर फोर टाइप्स, ये चार प्रकार के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट आप लोगों का था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमने पढ़ा चुके हैं। सेकंड आप लोगों का है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमने पढ़ा चुके हैं। एंड थर्ड है क्या, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। और फोर्थ है आप लोगों का, फोर्थ में है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? तो आज आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू में लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, या फिर फोर्थ, चाहे उसको हम लास्ट कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे या फिर फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दी जा रहा फोर टाइप्स, वो चार प्रकार के होते हैं। पहला आप लोगों का था, जो पहला कनेक्टिव टिश्यू था पढ़े थे एडिपोज स्केलेटन, ठीक, एडिपोज स्केलेटन फ्लूइड, ठीक, एरियोलर। तो चार प्रकार के आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमने क्लासिफिकेशन के समय सब अच्छे से बताए हैं, अब वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके। तो आज आप लोगों का लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है एंड फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू है क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट एक बार फिर से देख लीजिए, हम रिपीट कर रहे हैं, फिर नहीं पढ़ाएंगे। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट है, सेकेंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एंड थर्ड है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाए हैं, एंड फोर्थ आज का है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू में ये जो है फोर्थ टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देख लीजिए फ्लूइड मीन्स हमने बताया है, फ्लूइड जो इंग्लिश वर्ड है फ्लूइड, क्या है फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स तरल। कोई चीज़ अगर बह रही है पानी जैसी है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। जिसको हम सेकेंड फॉर्म है उसका दूसरा फॉर्म है लिक्विड कहते हैं, क्या कहते हैं लिक्विड। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, तो उसमें एक होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है किसे कहते हैं, इसका हम करेक्टर्स देखेंगे, करेक्टर्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्या चीज़। एक लैंग्वेज डेफिनेशन देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का डेफिनेशन होगा, द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरियस मीन्स क्या होता है, विभिन्न, और डिफरेंट मीन्स क्या होते हैं, विभिन्न। तो देख लीजिए डेफिनेशन, कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी।
बॉडी पार्ट इन द बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट। तो देख लीजिए जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है कनेक्ट्स द कनेक्ट मीन्स जुड़ा हुआ द डिफरेंट डिफरेंट मीन्स विभिन्न डिफरेंट मीन्स क्या करता है विभिन्न पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट मीन्स क्या होता है भाग पार्ट मीन्स भाग बॉडी मीन्स शरीर बॉडी मीन्स शरीर। तो जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है बॉडी के विभिन्न पार्ट को क्या करता है जोड़ता है कनेक्ट करता है। जो देखिए बारो फिर से देखिए कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कौन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स डिफरेंट मीन्स विभिन्न कनेक्ट मीन्स जोड़ता है पार्ट मीन्स भाग ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब है जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के डिफरेंट भाग को क्या करते हैं जोड़ते हैं ये काम होता है। ठीक दूसरा है मेंटेन मेंटेन कहते हैं लगातार मेंटेन सही करना मेंटेन कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस आप लोग सुने हैं कंटिन्यूअस सुने हैं तो कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है लगातार लगातार तो कंटिन्यूअस से क्या बना है कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी मीन्स लगातार मेंटेन ए कंटिन्यूटी इन द बॉडी पार्ट मीन्स क्या होते हैं ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये बॉडी के हर पार्ट में पाए जाते हैं मीन्स कंटिन्यूअस पाए जाते हैं बॉडी के हर पार्ट में कंटिन्यूअस पाए जाते हैं लगातार पाए जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बॉडी के किसी भी स्थान पर नहीं है बॉडी के किसी भी स्थान पर नहीं है मीन्स बॉडी के हर जगह पर क्या होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट होते हैं बॉडी के हर जगह पर क्या होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है मेंटेन ए कंटिन्यूटी इन द बॉडी पार्ट। ठीक तो ये हुई है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनेशन। ठीक तो अगर ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है तो द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के विभिन्न पार्टों को जोड़ते हैं। ठीक सेकेंड आप लोगों की पॉइंट है सेकेंड पॉइंट है मेंटेन ए कंटिन्यूटी इन द बॉडी पार्ट ये बॉडी पार्ट में मेंटेन बनाए रहते हैं क्या कंटिन्यूटी जोड़ने का काम ये बॉडी में जोड़ने का कंटिन्यूस एक बॉडी के एक भाग को दूसरे भाग में जोड़ते हैं मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के हर जगह पाए जाते हैं पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उपस्थित होते हैं। क्लियर ये तो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ठीक दीज आर आर टू टाइप्स जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं देख लीजिए द मुख्यतः मेन मीन्स मुख होता है
मेन से मेनली का निर्माण हुआ है, मेनली का फॉर्मेशन हुआ है, मेनली दी द्वारा टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आप लोगों का ब्लड है, एक क्या है? ब्लड। या ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे ये मान लीजिए ये जो आप लोगों के ये वो है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ये कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। एक आप लोग सुने होंगे ब्लड, ठीक है, आप लोगों का फर्स्ट ब्लड, दूसरा है वेन्स। ब्लड तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। लिंफ मींस होता है लसी का, लिंफ मींस लसी का। कहने का मतलब है आप लोगों के बॉडी में कलरलेस मटेरियल्स पाया जाता है, पदार्थ होता है, एक कलरलेस फ्लूड होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता है बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंफ कहते हैं। लिंफ मींस लसी का। तो कहने का मतलब होता है जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक, किससे किससे मिलकर बना होता है? ब्लड और लिम्फ से। जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, दो चीज़ों के मिलने से बना होता है। अब हम देखेंगे जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो प्रकार के होते हैं, दी जा रहा टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। क्लियर? अब हम ब्लड का स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे एंड लिंफ को भी देखेंगे कि ब्लड क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है एंड इनका फंक्शन क्या है। फिर हम लिंफ देखेंगे। लिंफ आप लोगों के जो सिलेबस है 9th क्लास में बहुत थोड़ा है, 11th में डिटेल्स है। क्यों ये जानना है लिंफ के बारे में, लिंफ क्या है? तो लिंफ इज ए कलरलेस फ्लूड। एक कलरलेस फ्लूड होता है, प्रोटीन्स इसमें क्या क्या उसमें एब्सेंट होती है, RBC नहीं पाए जाते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस नहीं पाए जाते हैं, न तो प्रोटीन इज एब्सेंट, प्रोटीन इज एब्सेंट, न तो RBC पाई जाती है, न तो प्रोटीन्स पाए जाते हैं लिंफ में। तो आइए देखते हैं ब्लड क्या है। ब्लड प्रोडक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट ब्लड। ब्लड तो आप लोग देखे होंगे, फेमस होंगे, लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द ब्लड, रुधिर क्या है, कहने का मतलब है रुधिर तो सब जानते हैं, ब्लड क्या है? ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, सहयोगी ऊतक होता है, ठीक, लेकिन इतना कहने का मतलब नहीं है कि ब्लड क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड की डिफिनीशन बन सकती है कि रुधिर क्या है, 10th क्लास में है, ठीक। तो 9th में आप लोगों को थोड़ा ही पढ़ना है कि ब्लड क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मींस तरल, सहयोगी ऊतक होता है। तो ब्लड की अगर डेफिनेशन लिखेंगे, अगर हम देखेंगे तो ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये भी तो देखेंगे, ये तो ब्लड की डिफिनीशन होती है, ठीक। तो ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो सेकंड इसका पॉइंट है ब्लड इज कंपोज। कंपोज मीन्स घटक होता है, कंपोनेंट मीन्स पढ़े होंगे, कंपोनेंट मीन्स घटक होता है, कंपोनेंट से कंपोज्ड का फॉर्मेशन होता है, कंपोज मीन्स भी घटक होता है, यह उसी
दूसरा नाम फार्मेशन कहेंगे। फार्मेशन इस निर्माण कोई भी सेंटेंस बनाने का तरीका होता अपने आप। ऐसे आप लोग पढ़ते जाएंगे इंग्लिश में तो आप लोगों को खुद ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक अगर ग्रामर आप लोगों का तेज है फास्ट है तो खुद बना सकते हैं। मतलब जो होते हैं कि अगर हम ब्लड के डिफिनेशन देखेंगे तो ब्लड में देखेंगे किस चीज़ का बना होता है, तो ब्लड ब्लड इज कंपोज्ड बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ब्लड सेल एंड ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड सेल्स यहाँ से आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। ब्लड सेल्स एंड ब्लड कॉर्पल्स। कॉर्पल्स मीन्स क्या होती है? रुधिर कणिकाएं। कॉर्पल्स ब्लड बने होते हैं। ब्लड सेल्स, ब्लड मीन्स रुधिर होती है, सेल्स मीन्स कोशिकाएं होती हैं। सेल मीन्स कोशिका होती है, सेल से सेल कंपार्टमेंटेशन हुआ है, बने हैं बहुत सी कोशिकाएं। एंड ब्लड कॉर्पस, ब्लड कॉर्पस मीन्स रुधिर कणिकाएं। क्या होगी? रुधिर कणिकाएं। तो हमारा जो ब्लड होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड सेल्स एंड ब्लड कॉर्पस। ठीक, तो कहने का मतलब है हम कह सकते हैं द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स एंड ब्लड कॉर्पल्स। हो सकता क्लियर हो गया होगा। ठीक, ब्लड में क्या होते हैं? एक लिक्विड मटेरियल्स होते हैं। ठीक, इन द ब्लड फाउंड द लिक्विड मटेरियल्स मीन्स तरल पदार्थ होते हैं। हमारा ब्लड गाढ़ा होता है ना, तो क्या होते हैं? और भी बहने वाला होता। अगर कहीं पर फ्लूड लिखा है तो इट मीन्स वो तरल हो, वो बहने वाला है, लिक्विड है तरल है। तो जो ब्लड होता है द ब्लड इज लिक्विड मटेरियल। ब्लड इज लिक्विड मटेरियल्स। ब्लड इज लिक्विड मटेरियल्स होता है। ठीक, और उसी लिक्विड मटेरियल्स में क्या पाए जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा। क्लियर हुआ? उसी लिक्विड मटेरियल्स में क्या होते हैं? ब्लड प्लाज्मा। नाम सुना होगा ब्लड प्लाज्मा का। ब्लड में कहने का मतलब हमने बताया ब्लड क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ब्लड में जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उसी में क्या होते हैं? ब्लड प्लाज्मा, जिसको क्या कहेंगे? ब्लड प्लाज्मा। ठीक, क्या कहेंगे? ब्लड प्लाज्मा। अभी देखेंगे जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक, पहले तो आप लोगों को एक छोड़ दे, उसी लिक्विड में क्या होते हैं? ब्लड प्लाज्मा होते हैं। जो ब्लड सेल्स होती हैं, रुधिर कोशिकाएं होती हैं, दी जाना थ्री टाइप्स। तो कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती हैं। उसी ब्लड में ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक, तो जो हमारी ब्लड सेल्स होती है दी जाना थ्री टाइप्स क्या होती है? द ब्लड सेल्स इज the blood cells are three types. First है आर बी सी, WBC एंड प्लेटलेट्स। पहले प्लेट लिखिए, उसके बाद लेट्स लगा दीजिए। ठीक, तो प्लेट
रुधिर कोशिकाएं होती है, ब्लड सेल्स मीन्स क्या होती है, रुधिर कोशिकाएं होती है। दी जारा थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। क्लियर हुआ? ये किसके पार्ट हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स किसके, ब्लड सेल्स के प्रकार हैं। जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं इनके प्रकार हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं ब्लड प्लाज्मा की, ठीक, ब्लड प्लाज्मा जो कि ब्लड में लिक्विड लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। ये जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं मेड कॉन्टेन ऑफ थ्री मटेरियल्स, ठीक, ये थ्री मटेरियल्स के बने होते हैं। क्या द ब्लड प्लाज्मा, क्या है द ब्लड प्लाज्मा, द ब्लड प्लाज्मा कंटेनर्स बने होते हैं, लगे होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक। तो द ब्लड प्लाज्मा कंटेनर मीन्स उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, जो भी लैंग्वेज लगा दीजिए, कोई ग्रामर का नहीं है, ठीक, इन लिटरेचर इंग्लिश है, बने होते हैं। द ब्लड प्लाज्मा कंटेनर या उसमें उपस्थित होते पाए जाते हैं क्या, प्रोटीन हार्मोन्स एंड सॉल्ट। क्लियर? जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक, जो हमारा ब्लड में लिक्विड मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक, वो जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, ये जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं। एक है प्रोटीन, एक क्या है, प्रोटीन है, दूसरा हार्मोन्स है, तीसरा साल्ट है, ठीक है, इसलिए नमकीन लगते हैं, ठीक, थोड़ा बहुत। तो जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं कॉन्टेन मीन्स बने होते हैं या उसमें उपस्थित होते हैं क्या, प्रोटीन हार्मोन्स एंड साल्ट। ये तो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड ब्लड की संरचना। अब इनका हम क्या देख लेंगे, ब्लड का फंक्शन बहुत ही जी है, सुनते होंगे, यूज भी होता है कि फंक्शन क्या है ब्लड का। देखिए अब बनाया है आप लोगों का फंक्शन, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, बॉडी में आप लोग जानते हैं कि ब्लड काम क्या है, द ब्लड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्लड क्या करती है, गैसों का एक्सचेंज करती है, मीन्स क्या होते हैं, जब हम आप ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं तो ब्लड के द्वारा ही अंदर को जाती है, ठीक, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज मीन्स अदला बदले, यही इसका फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, डाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल्स इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक, ब्लड रेगुलेशन करता है, ये किसका काम होता है, ब्लड का। तो ब्लड का क्या होता है देख लीजिए, फंक्शन ऑफ ब्लड मीन्स क्या होता है, ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एक्सचेंज फूड डाइजेशन
दूसरे स्थान तक ले जाना। उसी ट्रांसफर से क्या बना है, ट्रांसपोर्ट बना है। ट्रांसफर से क्या बना है, ट्रांसपोर्ट मीन्स स्थानांतरण। तो द ब्लड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एक्सचेंज मीन्स ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एक्सचेंज फूड डाइजेशन, ब्लड के द्वारा क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। कहने का मतलब होता है कि ब्लड का जो फंक्शन होता है, जैसे हम फूड खाना लिए अंदर गया, खाने का डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के बाद ब्लड का फॉर्मेशन हुआ, ब्लड का निर्माण हुआ, वही ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा। ठीक है, ऊतकों में पहुँच गया बॉडी के। जो वेस्ट मटेरियल था, अपशिष्ट पदार्थ था, ONS के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो किसका फंक्शन है, ब्लड का फंक्शन है। ठीक, तो ये होती है ब्लड का फंक्शन। द ब्लड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट एक्सचेंज फूड डाइजेशन वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब दूसरा पार्ट है ब्लड का, सेकंड पार्ट है लिम्फ। हमने बताया था ना कि जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो था आप लोगों का ब्लड एंड सेकंड था क्या, लिम्फ। सेकंड क्या होते हैं, लिम्फ। अब देखिए लिम्फ क्या है, ठीक है, लिम्फ क्या होते हैं, फ्लूइड नहीं पाया जाता है। ठीक, इसलिए और कनेक्टिव टिश्यू तो है ही है, क्योंकि वही पार्ट हम पढ़ ही रहे हैं। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज फ्लूइड कलरलेस कनेक्टिव टिश्यू, ये कलरलेस तरल सहयोगी ऊतक है। इसमें क्या एब्सेंट होते हैं, इन भी एब्सेंट आगे आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक होगा नर्वस टिश्यू। आज के लिए इतना, धन्यवाद।